आपका नाम? मेरा नाम नरगिस खातून है। जी नरगिस जी, जो आप इस सिंगिंग फील्ड में हैं, जो आप गाते हैं, कितने टाइम से इसमें, क्या आपको बचपन से शौक था? बचपन से शौक था। आई थिंक मेरा पहला परफॉर्मेंस था जब मैं शायद 6-7 साल की थी, तो तब तो शौक के तौर पे करते थे, स्कूल में परफॉर्म करते थे, फिर आगे आगे शौक बढ़ता गया। एंड टेंथ या आफ्टर माई टेंथ आई टुक इट सीरियसली और लाइक इसको प्रोफेशनल वे में लिया। तो आपके कैसा ये शौक पैदा हुआ है, क्या आप टीवी शौक ज्यादा देखती थी? टीवी तो नहीं, आई डोंट नो, हमेशा से गाना मुझे पसंद था और मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लाइक एवरीवन इज़ अ फैन ऑफ रेडियो, बहुत सुनते थे सब, तो वो म्यूज़िक कान में चला जा रहा था खुद ही। और आई थिंक मेरे घर में काफ़ी लोगों की आवाज़ें बहुत अच्छी थी, तो सो मुझे वो अट्रैक्शन हो गया। आपको लग रहा है कश्मीर में काफ़ी टैलेंट है बच्चों में, उनको जो है सपोर्ट की ज़रूरत है सरकार की तरफ? ऑफकोर्स बहुत टैलेंट है यहाँ पे और स्पेस नहीं है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए सो दैट लोगों को स्पेस मिले कि वो अपने आर्ट को एक्सप्लोर कर सके और उसको यू नो पॉलिश कर सके, उसको आगे बढ़ा सके यहाँ पे। आप ने कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जैसे आपकी अच्छी आवाज़ है, आप गाते हैं, कहाँ कहाँ पे आपने? मैंने तो बहुत अभी तक बहुत शोज़ हो गए लाइक कश्मीर में, कश्मीर से बाहर भी, जम्मू, दिल्ली एंड पंजाब, लाइक मैनी प्लेसेस। इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी। सो कुछ ऐसा आप हमें सॉन्ग सुनाए जो आपको ज़्यादा, जो आप ज़्यादा पसंद करते हो? काफ़ी पसंद है मुझे गाना, हिंदी सुनाऊँ या कश्मीरी सुनाऊँ? जैसे भी, उर्दू में ही अगर होगा। उर्दू ठीक है, मैं गज़ल एक सुनाती हूँ। ना खुले अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, लब पे इक बार बड़ी देर।